इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चिक्स को लेकर, जो हैचरीज की मनमानी चल रही है, चिक्स का रेट कितना होना चाहिए, कितना एक वाजिब रेट है जो चिक्स का निकलना चाहिए। इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी पोल्ट्री किसानों के साथ। तो चिक्स के टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब चिक्स का रेट है वो लगभग 20 रुपये के आसपास टिका रहता था, और जो मुर्गा मार्केट है, मुर्गा मंडी है, उसका जो लिफ्टिंग रेट था वो लगभग 60 के आसपास टिका रहता था, और उस समय जो फीड के रेट थे वो भी काफ़ी डाउन थे। कहने का मतलब है कि 20 का चिक्स उस टाइम हम डालकर यदि हमें 60 की का जो लिफ्टिंग रेट भी मिल रहा था, तो उस समय जो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही थी बिल्कुल वो 60 के नीचे पड़ रही थी, और उस समय हम इस रेट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हैचरीज वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, यदि हम अब भी नहीं संभले तो बहुत देरी हो जाएगी। तो उस समय चिक्स और मुर्गा मार्केट में जो रेशियो थी वो 1/3 थी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मुर्गा मंडी थी उस समय वो लगभग चिक्स रेट से 3 गुना तेज रहती थी। यदि उस टाइम 20 रुपये का चिक्स डालते थे तो हमें 60 रुपये तक अच्छी मंडी मिल जाती थी, और उस समय हमारी जो रोजी रोटी है वो अच्छे से चल रही थी। लेकिन यदि हम आज का रुख करें तो आज का जो चिक्स का रेट खुलता है, आप सभी जानते हैं कि 45-45 के आसपास ये रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब अपना ये चिक्स 45 वाला आपका तैयार होगा, तो आपको क्या जो मुर्गा मंडी है उस समय जो लिफ्टिंग रेट है वो 135 रुपये का मिलता है? तो सभी का जवाब यही है कि हमें ऐसा नहीं मिलता। अब के हालात तो ऐसे है कि इसका हमें जो है हाफ भी नहीं मिल रहा है। तो चिक्स वाले, हैचरीज वाले किस बात का जश्न मना रहे हैं जो दिन प्रतिदिन है चिक्स का रेट है वो बढ़ाई जा रही है, और मुर्गा मंडी है वो वहाँ पर ही लगभग टिकी हुई है। तो जो कुछ साल पहले चिक्स का रेट जो 20 के आसपास रहता था, तो उसमें जो गैप है वो लगभग 25 रुपये का क्यों आ गया? चिक्स का रेट डबल क्यों हो गया? हमारी मंडी डबल क्यों नहीं हुई? तो हैचरीज का कहना है कि हमारी जो चिक्स पर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें जो हैचिंग एग मिलता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल कनेक्शन हमने लिए हुए है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो जिसके मद्देनज़र हमें ना चाहते हुए भी जो चिक्स के रेट है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चिक्स 20 से 45-50 आ गया, तो क्या हमारी ब्रॉयलर्स पर, पोल्ट्री पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 50-60 रुपये तक आ गई है? क्या आपको जो फीड का एक बैग 50 केजी का 500 रुपये का मिलने लग पड़ा है, या फिर जो आप पोल्ट्री के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो मेडिसिन आपको फ्री मिलने लगी है, या फिर आपकी जो पोल्ट्री में लेबर काम कर रही है वो बिना पैसे लिए काम कर रही है, फ्री में काम कर रही है? कहने का मतलब है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी। भाई यदि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो क्या पोल्ट्री से जो जुड़े किसान भाई है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गई? तो हमें तो आप फीड के रेट भी लगातार बढ़ाई जा रहे हैं, मेडिसिन का आप पूछो ही मत, जो लेबर है वो भी सैलरी अच्छी खासी ले रही है, और जो रही सही कसर है वो आपका जो इतना हाई रेट है चिक्स का वो निकाल रहा है। इस चिक्स रेट को भी फिक्स करना चाहिए। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। तो एक टाइम आज के समय यदि बात कर लूं तो 25 रुपये का चिक्स देखकर भी आप उसमें से कुछ कमा रहे हैं, और वही चिक्स जब मुर्गा मंडी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो पहुँच जाता है 45-50 रुपये। कहने का मतलब कि चिक्स का रेट है वो डबल कर आप बेच रहे हैं, तो हम जहाँ पर चोर किसको कहें? क्योंकि हमें तो कभी जो मुर्गा मार्केट है वो 2 गुनी नहीं मिली, तो हमारी खून पसीने मेहनत की कमाई का खा खा कर अपना पेट मत निकालो। हमें कोई 2 नंबर की जो कमाई है वो नहीं होती, ब्लैक मनी नहीं है हमारे पास।
हमने अपना जो पैसा है इसमें लगाकर ही खाना है। यदि आप अपने चिक्स का एक वाजिब रेट निकालते हैं जो लगभग 25 या हद 30 के बीच होना चाहिए, 50 रुपये के चिक्स के मुकाबले में 1000 चिक्स की बात करूँ तो सीधा सीधा जो हमारा 20-25 हज़ार है वो बच जाता है। जहाँ पर मैं जेब भी नहीं कहता कि हैचरीज वालों के खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि मैं पोल्ट्री से जुड़ा हूँ तो पोल्ट्री को अच्छी से समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी रहती है। हालांकि हम इस बरीकियों को, जो हैचरीज की बरीकियाँ, उसको नहीं समझ सकते, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि एक चीज़ को आप यदि 25-30 में बेचकर कुछ कमा रहे हैं तो यदि आप वही चीज़ 45-50 में बेच रहे हैं तो ये कहाँ की ईमानदारी हुई। इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सन्नी पोल्ट्री जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आए उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी राय भी इस में मुझे ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।